इसमें मुख्य रूप से जो टिकट मिला है इसको आप कैसे देखते हैं? तो डेफिनेटली प्लस है कि 8 MLA पार्टी के हैं, तो लोगों का विश्वास ऑलरेडी पार्टी पे है। एक मुख्य रूप से अब आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? मुख्य रूप से पहले तो आपके साथ महिमा कुमारी जी आपके चुनावी कैंपेन में चल रहे थे। जो बदलाव पिछले 10 साल में आए हैं वो अपने आप में ही स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और इस चुनाव को लेकर मुख्य रूप से भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाए हैं महिमा कुमारी जी। अभी हमारे साथ में नाथद्वारा के विधायक और महिमा कुमारी जी के पति विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हमारे साथ में हैं। विश्वराज सिंह जी, इसमें मुख्य रूप से जो टिकट मिला है इसको आप कैसे देखते हैं? भाजपा ने जिस तरह से भरोसा जताया है, टिकट दिया है, लिस्ट में काफ़ी जो दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी थी, कई दावेदार थे, उसमें अचानक नाम आया। देखो, जो दावेदार की लिस्ट थी वो तो जो मीडिया में नाम उछल रहे थे वही नाम थे। कितने दावेदार थे वो पार्टी जाने। और जहाँ तक कमरानी महिमा कुमारी का प्रश्न है, तो पहले से मतलब उनका नाम मुझे पूरा विश्वास है कि नीचे कार्यकर्ताओं से भी ऊपर भेजा गया है, तो उनका कनेक्ट और उनका जो नाथद्वारा इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जो कार्यकर्ता के साथ और जनता के साथ जो कनेक्ट किया है, इसलिए उनका नाम ऊपर गया है और पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। कहीं कहीं जो विधानसभा का जो चुनाव कैंपेन था और उसका जो जुड़ाव जनता के साथ में जो रहा आपका और महिमा कुमारी जी का, उसी को मानते हैं आप? वो मेरे ख्याल से एक बड़ा कारण तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप देख सकते हैं लोग ऊपर नाम भेजते हैं तो मतलब लोग ऐसे कैंडिडेट को पसंद ही कर रहे हैं। एक मुख्य रूप से अब आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? मुख्य रूप से पहले तो आपके साथ महिमा कुमारी जी आपके चुनावी कैंपेन में चल रहे थे और अब आप किस रोल? अब रोल तो मेरा एक MLA का रोल होगा। जब MP का कैंडिडेट है तो MLA की जो जिम्मेदारी है वो MLA की जिम्मेदारी निभानी। वो तो MLA तो आप नाथद्वारा में ही है, लेकिन 8 विधानसभाएं हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ और किस तरह से एक मॉनिटरिंग हो या जनता से जुड़ाव की बात? जनता के जुड़ाव की बात तो अलग है, क्योंकि जैसे मेरे विधानसभा के समय भी मैंने कहा था कि जैसे लोगों से मिलने के लिए तो चुनाव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी चुनाव है तो ठीक है, अगर मौका मिला तो अलग विधानसभा क्षेत्र में साथ में चलूँगा, मौका नहीं मिला तो मैं नाथद्वारा में रहूँगा। वैसे भी दिन तो बहुत कम है चुनाव के लिए, तो जैसे ज़रूरत पड़े वैसे मुझे तो जिम्मेदारी तो निभानी है। क्या मानते हैं कि जैसे एक तो विधानसभा की जो कैंपेनिंग थी वो तो एक हर गांव टू गांव कनेक्ट कर भी पाए, लगभग पंचायत स्तर तो गए, लेकिन इसमें हर गांव में तो जाना मुश्किल होगा, फिर कैसे कनेक्टिंग का मुख्य रूप? अब की बात तो जैसे दिन कम है और वैसे भी लोकसभा प्रत्याशी हर MLA के प्रत्याशी ज़्यादा इंटीरियर में जाते हैं बनस्पत लोकसभा के प्रत्याशी, तो ये जो ज़्यादा इंटीरियर में जाना और ज़्यादा कनेक्ट करना वो ज़्यादा तो और MLA करते हैं MP के लिए। तो जो जहाँ पे भी मीटिंग्स होने वाली हैं, पार्टी ने तय कर दिया है कि कौन इंचार्ज है इस कैंपेन के लिए, प्रत्याशी के हिसाब से हरी सिंह जी चार्ज में है, तो हम सब साथ मिल के शेड्यूल बनाएंगे, आइटिनरी बनाएंगे कि किधर क्या मीटिंग रखनी है, और बाकी MLA काफ़ी अनुभवी यानी MLA भी हैं, तो उनकी राय तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये एक मैं सोचता हूँ कि कुल मिला के जो पूरे लोकसभा की 8 विधानसभा हैं, 8 में भाजपा के ही विधायक हैं। ये तो डेफिनेटली प्लस है कि 8 MLA पार्टी के हैं, तो लोगों का विश्वास ऑलरेडी पार्टी पे है, और अब लोकसभा का चुनाव है तो डेफिनेट मदद तो रहेगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद क्या लगता है सिनेरियो चेंज हुआ है? कांग्रेस का जो कैंपेन भी बड़ा है, राहुल गांधी जी भी पैदल चल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 साल में जो किया है और जो बदलाव पिछले 10 साल में आए हैं वो अपने आप में ही स्पष्ट है, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामने तो ला रहे हैं कि 10 साल में इतना बदलाव लाया गया है, तो मैं समझता हूँ ये तो एक 10 साल का कैंपेन है। अभी कांग्रेस जो भी कर रहे हैं वो तो जैसे विधानसभा के समय एन मौके पर वो घोषणा कर रहे थे, ये एन मौके का काम नहीं है, ये तो सुचारू रूप से सब कुछ बेहतर करने का काम है। जो भ्रमित करने का जो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से सब जगह भ्रमित कर रहे हैं और जो
छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको दबाने का प्रयास कर रही हैं, ये आरोप है भाजपा पे। ये आरोप है तो वो तो अपोजिशन है तो कोई ना कोई आरोप लगाएंगे। अब काम पे जो प्रशासनिक काम है, जो काम अच्छे काम हुए हैं पिछले 10 साल में, वहाँ पे वो कोई मतलब इल्ज़ाम नहीं उठा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको ढूंढना ही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की जो हुई प्रतिष्ठा, इस को भी इस चुनाव में किस तरह से बेनिफिट? देखो, ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, अब तो आप कह सकते हैं कि राम मंदिर की जो बात है वो बहुत लंबे समय से चल रही है, और उसको उसका सुझाव निकाल के, और जो हमने 22 जनवरी को देखा उसको उसका सुझाव निकल गया है, मंदिर बना है, तो लोगों की भावना पे तो असर पड़ेगा ही। मुख्य रूप से अंतिम सवाल है, इंडिया गठबंधन हुआ उसके बाद विपक्षी जो संगठन है वो सभी एकजुट हुए हैं? वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से एकजुट तो हुए नहीं अभी तक, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या नतीजा होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विश्वराज सिंह जी मेवाड़, और आपने कहा है कि किस तरह से महिमा कुमारी जी को जो टिकट मिला है, टिकट के बाद अब जनता के बीच में जा रहे हैं, और मुख्य रूप से उनका मुख्य रूप से ये बात कहना है कि जो नाथद्वारा विधानसभा के पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए, जनता के बीच में जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की, जिस तरह से वो जनता के बीच में गए, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा ही नाम भेजा गया है और उसी के तहत नेतृत्व ने भरोसा जताया है इनके ऊपर, तो निश्चित तौर पर जीत भी तय होगी। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।